आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर बस्तर छत्तीसगढ़ से। राजेश मेहरा स्पेशल कोऑर्डिनेटर के साथ। छत्तीसगढ़ जिला बस्तर अंतर्गत ब्लॉक बकावन में छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ द्वारा दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया गया है। छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ के सभी सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं। सदस्यों की पहली मांग महंगाई भत्ता है, वह दूसरा मांग डीए में बढ़ोतरी है। कर्मचारी संघ द्वारा बकावन तहसील ऑफिस के सामने धरना दिया गया है। धरना पर बैठे समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है और उनका कहना है कि जब तक शासन उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं मानता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो ऐसे जो जो श्रेणी में आते होंगे वो उसको अमल कर लेना, बाकी सभी को बहुत बहुत फेडरेशन की ओर से दिल से अंदर आत्मा से वास्तव में आपको ये दर्द जो है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और ये दर्द तो हमेशा लगे रहता है जब तक बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, ये बात कतु सत्य है। इसके लिए हमको कुछ न कुछ लड़ाई संघर्ष करना पड़ता है, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलता। और सभी जानते हैं कि महिला लोग जो है अपने बच्चे को जब तक नहीं रोता तब तक दूध नहीं पिलाते बोलते हैं, वैसे ही है। तो इनको होश में लाने के लिए हमारी एकता और संगठन मजबूती होगा तभी जाके वो जो है देगा, नहीं तो ऐसे ही मांगने से नहीं देगा। इसीलिए जब भी ऐसा हमारी लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित रूप से क्यों कोठवार साथियों आप लोग हमारा साथ देंगे। और बोल कोठवार साथ जिंदाबाद, कोठवार साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद संघ कोठवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हां बढ़िया बोल दी थी कर्मचारी संघ कोठवार संघ बढ़िया हो गया। बहुत बहुत तो जब तक हम दिखाएंगे नहीं अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे नहीं। हम लोग 97 से 500 रुपया से शुरू किए थे और आज 60,000-70,000 में पहुंच गए हैं। हम अपने दम पे आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमने जब जब शासन से प्रेशर बनाया तब तक हमें जो जो हमने चाहा है पाया है। तो इस हड़ताल में भी हम 34% को पाएंगे, ऐसी अभिलाषा के साथ हम स्ट्राइक को कंटिन्यू रखें, अनिश्चितकालीन की ओर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन झुकेगा, ऐसे मुझे आशा है। तो साथियों हमें स्ट्राइक को मजबूती से करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। समस्त संगठन हैं,